यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर यूपी के कई शहरों व देश की राजधानी दिल्ली में मुस्लिम सड़क पर उतर आए। यूपी के प्रयागराज में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जुम्मे की नमाज के बाद नमाजियों ने पथराव किया, बैरिकेटिंग भी हटा दी गई। इसके अलावा सहारनपुर, देवबंद, मुरादाबाद, कोलकाता में भी मुस्लिमों ने टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। देश की राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद पर भारी भीड़ जुटी और खासा विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि जामा मस्जिद के शाही इमाम का कहना है कि मस्जिद ने विरोध का कोई आह्वान नहीं किया है। मस्जिद के बाहर कौन लोग हैं उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, यानी शाही इमाम ने प्रदर्शनकारियों की हरकतों से पल्ला झाड़ लिया है। कोलकाता में विस्फोट भी किया गया। आपको याद दिला दें कि एक टीवी डिबेट में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने मोहम्मद पैगंबर को लेकर टिप्पणी की थी। इसे मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी मानते हुए मुस्लिम समाज में खासा आक्रोश है। कानपुर दंगा भी इस विरोध प्रदर्शन का एक हिस्सा भर रहा। वहीं मुस्लिम मुल्कों ने भी इस पर कड़ी नाराजगी जताई थी। इसका असर यह हुआ कि भाजपा को नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल को बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। बावजूद इसके मुस्लिमों को तेवर में कोई कमी नहीं आई है। आज नुपुर शर्मा के पक्ष में साध्वी प्रज्ञा भी उतर गई। हिंदू समाज में भी नुपुर के निलंबन को लेकर भाजपा के प्रति नाराजगी सामने आई है। इस बीच आज जुमे की नमाज पर शासन में प्रशासन की नजर बराबर बनी हुई थी। शासन ने अति संवेदनशील शहरों में शुमार मेरठ समेत तमाम जिलों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। मेरठ में इसे लेकर शांति जरूर नजर आई, लेकिन प्रयागराज में नमाज के बाद पत्थरबाजी हुई और बैरिकेडिंग तोड़ दिए गए। इस क्रम में सहारनपुर, देवबंद, मुरादाबाद में भी विरोध के तीखे स्वर देखने को आए। देखिए रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।